फेसबुक का पेज आप कैसे डिलीट कर सकते हो गैस, यहाँ पे गैस मैं बता दो आप, हम तो फेसबुक पेज क्रिएट कर देते गैस कभी कई बार, हमें जो कि ऐसा होता है गैस कि क्रिएट तो कर देते गैस बट हमारे अकॉर्डिंग जो कि फेसबुक पेज नहीं बनता है, तो बाद में जो कि हम सोचते हैं गैस इसको डिलीट कैसे करें। तो इस वीडियो में जो कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानोगे कि आप जो कि डिलीट कैसे कर सकते हो गैस, आप कुछ जो कि स्टेप मेथड यहाँ पे फॉलो करना होता है, आप चाहे डेस्कटॉप पे करो या फोन पे करो, आप जो कि यहाँ पे मेथड को फॉलो जरूर करो गाइस। इस मेथड को फॉलो करके आप जो कि इजीली जो कि यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो गाइस आप जो कि फेसबुक पेज को, ठीक है। इस चैनल पे मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जो कि नए नए मिलता रहेगा हर रोज़ जो कि यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे फेसबुक पेज को आप डिलीट करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे आ जाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आपको जो कि फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फेसबुक पेज लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप फेसबुक पेज को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, इस ऊपर कॉर्नर से अकाउंट पे जाके सिलेक्ट करोगे, तो आपका जो पेज आप डिलीट करना चाहते हो उस पेज को आपको सिलेक्ट करना होता है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप जो कि पहुँच जाओगे इस पेज पे, पहुँचने के बाद आपके सामने आपको पेज पे पहुँचने के बाद उसके बाद आपको सेटिंग दिख रहेगा, तो यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस ओपन होने के बाद आपके सामने प्राइवेसी दिख रहा है, प्राइवेसी पे कर देना है क्लिक। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पेज फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, इस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नया एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, टेम्पररली डीएक्टिवेट एंड परमानेंटली डिलीट योर पेज, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू पे कर देना है क्लिक। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नया और एक इंटरफेस ओपन होगा गाइस। तो आप जो कि यहाँ पे जो कि परमानेंट डिलीट करना चाहते हो या टेम्पररीली करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे देख लेना गाइस। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट पेज दिस कैन बी टेम्पररीली, ऊपर का जो ऑप्शन है वो टेम्पररीली होगा क्योंकि पूरा परमानेंटली डिलीट नहीं होगा गाइस। आप अगर चाहते हो कि परमानेंटली डिलीट हो जाए तो यहाँ पे नीचे का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे कंटिन्यू के लिए बोलेगा तो आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप अगर चाहते हो कुछ आपका जो कि बैकअप वगैरह डाउनलोड हो जाए, जो भी चीज़ फेसबुक पेज पे था तो वो सब डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ से आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी अपना डेटा वगैरह है सब कुछ आप जो कि बैकअप बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। मैं जो मेथड दिखा रहा हूँ गाइस वो मेथड है गाइस आप जो कि यहाँ पे परमानेंट डिलीट का दिखा रहा हूँ, आप टेम्पररीली डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो ऊपर वाला जो मैं बताया था उसको आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ गाइस। जैसे ही आप यहाँ पे गाइस पासवर्ड जो कि टाइप कर दोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका जो कि फेसबुक परमानेंटली डिलीट हो जाएगा गाइस। सो गाइस ये मतलब आपको जो कि कैसा लगा गाइस आप जो कि यहाँ पे मेरे को कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए गाइस आप वो भी बता सकते हो गाइस, क्योंकि इस चैनल पे हर रोज़ जो कि कुछ ना कुछ आपको जो कि नया चीज़ जो कि मिलता रहेगा, नया इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलता रहेगा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नए वीडियो में। सो या गाइस।